दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जहां पूरा विश्व तबाह हुआ, वहीं अपना देश भारत भी अछूता नहीं रहा। आपको जानकारी देते हुए हम बताते चले कि कोविड 19 का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है। पूरे विश्व में इस वायरस के कारण अकाल मृत्यु की सूचना भी प्राप्त हुई। विशेषकर छोटे बच्चे एवं वृद्धजनों एवं शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए यह वायरस घातक सिद्ध हो सकता है। वायरस का संक्रमण एक दूसरे के स्पर्श से एक स्थान पर अधिक संख्या में एकत्रित होने से एक दूसरे से संपर्क की गई वस्तु को स्पर्श करने से बृहत पैमाने पर फैल रही है। इन सबों को ध्यान में रखते हुए नालंदा जिले में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार धारा 144 लागू की गई है। आपको जानकारी देते हुए हम बताते चले कि कोविड 19 का संक्रमण भीड़ लगने से ही फैलता है, जिससे निपटने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। नालंदा जिलाधिकारी ने उक्त बातों की जानकारी देते हुए बताया कि कल से नालंदा जिले के सभी दुकान खुलेंगे। इतना ही नहीं, दुकानों पर भीड़ नहीं लगाई जाएगी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग अपने कार्य को पूरा करेंगे। नालंदा जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप मास्क जरूर लगाएं ताकि इस वैश्विक संकट से निपटा जा सके एवं इस पर हम सभी मिलकर विजय प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि जिले के सभी कार्यालय खुल गए हैं, लेकिन लोग जरूरी काम से ही कार्यालय आएं एवं अनावश्यक भीड़ कार्यालय में न लगाएं, संभव हो तो ऑनलाइन ही अपने कार्य का निपटारा कर सकें। कंबोडिया, जापान, हांगकांग ये सब शामिल हैं। वहाँ पर उनकी कल्चर में भी पहले से मास्क पहनने की परंपरा रही है। हाँ, पर जो कि अखंडी के नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग इससे वृद्ध हो सकते हैं, लेकिन इस जिले में अधिकांश संख्या में हमारे बुद्धिस्ट लोग आते हैं और उनको आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो देखा होगा कि उनको ढके रहते हैं। ऐसा नहीं कि तब कोरोना फैला हुआ था आते थे इस जिले में तो वो ढके रहते थे, वो इसलिए ढके रहते हैं क्योंकि उनकी कल्चर में ही ऐसी परंपरा है वो ढकने की। उसका बड़ा फायदा मिला और आप देखेंगे जो स्प्रेड है इसका संक्रमण का, जब भी कोई केस पॉजिटिव निकलता है किसी भी क्षेत्र में तो उस क्षेत्र को हम लोग कंटेनमेंट जोन के नाम से जानते हैं और उसका परिभाषा है कि उसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरा उसमें हम लोगों को बंद करना रहता है। तो अब ये देखा गया है पूरे देश में और लोगों की सहूलियत और लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हम लोग उसमें डिसीजन लेते हैं कि कितने क्षेत्र को हम लोग उसको बंद करें और क्या करें। तो जो शहरी क्षेत्र में हमारे 3 मोहल्लों में संक्रमण फैला था उसको लेकर के कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। चूँकि कंटेनमेंट जोन बहुत ही एक पेरीमीटर उसका स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होता है, उसके अंदर लोगों का मूवमेंट, सभी गतिविधियां, सब कुछ पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है, सिवाय वहां पर जो सुविधा पहुंचाने के लिए प्रशासन और फोर्स के या बाकी लोग रहते हैं चिकित्सक वगैरह उन्हीं को आने जाने के लिए रहता है, बाकी अन्य लोगों को न तो मूवमेंट वहाँ पर अलाउड रहता है ना ही कोई अन्य गतिविधियाँ अलाउड रहती हैं। तो अब से जो भी कंटेनमेंट जोन हमारे बन रहे हैं, जहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल कर रहे हैं और खुलने का जो रहता है वो लोगों का, कई लोगों का ये मानना रहता है कि जिस दिन लास्ट पॉजिटिव आया था उसके 28 दिन बाद, तो ऐसा नहीं होता है। जिस दिन उस जगह का लास्ट केस निगेटिव हो गया उसको 28 दिन मान करके उसके बाद में फिर हम लोग उसको डिनोटिफाई करने का प्रावधान है। तो अब चूँकि शहरी क्षेत्र में जो आया था उसका पूरा हो रहा है यहाँ, तो कल से जो नॉर्मल रूटीन है वो हमारा चलेगा। हमारी सभी लोगों से अपील है कि बिना मास्क लगाए, वो गमछा लपेटे कुछ भी करें, बिना मास्क लगाए और किसी भी प्रकार कहीं नहीं जाए। खासकर हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं, हम लोग जब क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो ऐसा देख रहे हैं कि जो बाइक चला रहे हैं या जो अपना खासकर 15 साल से लेकर के 40 वर्ष के युवा हैं वो अपना घूम रहे हैं बिना मास्क वगैरह लगाए, तो ऐसा करना उनके स्वयं के लिए खतरे से पूरा परिपूर्ण है और बाकी लोगों के लिए भी इससे खतरा हो सकता है। तो ये चुनौतियों से भरा है, ऐसा कदापि नहीं करें, मास्क लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। और ऐसा नहीं है कि मास्क जो है बांटने का, जो वितरण करने का कार्यक्रम है वो कराया जा रहा है, तो मास्क लगाना एकदम जरूरी है
और इसको जांच करने के लिए भी हम लोगों ने प्रत्येक थाना क्षेत्र में और सब डिवीजन में टीम बनाई है, जिनका काम है कि वो भीड़ भाड़ वाले या बाकी सभी जगहों पर भीड़ नहीं लगने दें, लोगों को प्रेरित करें। माइकिंग भी करवा रहे हैं कि भीड़ भाड़ लोग नहीं लगाएं, चूँकि अब सभी दुकानें खुली हैं, जिनको बंद किया गया है स्पेसिफिकली उनको छोड़ करके। और दूसरा है कि मास्क लगाएं, इसको भी चेक करने के लिए टीम लगाई गई है। खासकर वैसे हमारे जो क्षेत्र हैं जैसे बस स्टैंड वगैरह हुआ, वहाँ पर भी मजिस्ट्रेट और उसकी तैनाती की गई है कि वो भी लोगों को प्रेरित करें कि जितनी सीट है बस में उससे ज़्यादा लोग उसमें नहीं जाएं, खड़े नहीं हों, उतने ही लोग अपना बैठ करके जाएं और पूरा मास्क और इसका ध्यान रखें। तो अगर हम लोग ऐसा कर लेंगे तो मुझे लगता है पूरी तरीके से हम लोग इसे कंट्रोल कर लेंगे। और जैसे ही अगर ये देखा जाएगा कि मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं तो उस पर फिर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे आगे चल करके। तो ऐसी नौबत नहीं आने दें, अपनी सुरक्षा ही अपना बचाव वही है, बाकी और कुछ नहीं। वाहनों के परिचालन के लिए जैसा कि आप देखेंगे कि हमारे जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लोग आ रहे थे उनके लिए हम लोगों ने जिला स्तर पर परिवहन कोषांग बनाया था, जिसका कि कार्य था कि वो लोगों को मतलब ले जा करके उनके क्वारंटाइन सेंटर्स तक पहुँचाए। अब है कि जो नॉर्मल हमारा यातायात शुरू हो रहा है, जैसे ट्रेन भी बाकी आज से शुरू हो गए, तो उसमें जो लोग आ रहे हैं तो उनको अपने होम क्वारंटाइन में अपना जाना है, तो वैसे लोगों के लिए या बाकी भी लोगों के लिए आने जाने के लिए जो सरकारी हमारा यातायात के साधन है वो चलना शुरू हो जा रहे हैं और उनमें लोग अपना सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑटो टैक्सी और बाकी सब चीज़ें हैं वो भी अपना चलाने के लिए स्वतंत्र, वो भी चल सकते हैं। सिर्फ ध्यान यही देना है कि लोग मास्क लगा कर के चलें और जितने उसमें सीट हैं उससे कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को नहीं बैठाएं, ऐसा उनके लिए स्वयं के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। जो हमारी सीमा थी कि 33% लोगों के साथ वो चल रहा था, अभी सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं और चूँकि ये कंटेनमेंट जोन है तो कल यहाँ से भी सभी खुल जाएंगे, जो कि आज भी नोटिफाई हो जाएगा शाम तक। तो सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरीके से खुले हुए हैं। लोगों से अपील है कि वहाँ पर भी अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं और अगर सुविधाएं ऑनलाइन मौजूद हैं तो उनका ही सहारा लें, कार्यालय वगैरह में जाकर के भीड़ लगाएं ये सब नहीं करें और बिना मास्क लगाए तो कदापि नहीं जाएं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।